जी ड्यूडल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर, और आज के लेक्चर में भी हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ सल्फर कंपाउंड, जिसमें हम SOx यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड की सोर्सेज यानी कहां से हासिल किए जाते हैं इन पर बात करेंगे। और इसके अलावा अगर ये हवा में शामिल हो जाती हैं गैसेज, तो फिर इनके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, इनके क्या मुदर असरात हो सकते हैं, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। राइट, सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है सोर्सेज हैं जो मैंने इस वक्त आपके सामने बोर्ड पे जो है वो लिख दिए। हमारे साथ वकील मुश्तफा एंड हसनैन बैठे हुए हैं क्लास में, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सोर्सेज क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है वोल्केनिक गैसेज। वोल्केनिक गैसेज जो है, आपको पता होगा पहाड़ वगैरह फट जाते हैं तो उसमें से बहुत सी धुआं निकलता है सेंटर में से पहाड़ के, और उसमें बहुत सी गैसेज होती हैं, उसमें लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, और हम स्टडी कर रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वोल्केनिक इरप्शन से जो है वो रिलीज हो रही होती है, निकल रही होती है। फिलहाल ये आपको बताना चाहिए। उसके अलावा बैक्टीरियल डिके होता है। बैक्टीरियल डिके क्या करता है कि जैसे कोई सल्फर के कंपाउंड है, कि सल्फर के कंपाउंड है, लेट्स से दैट कुछ भी सल्फर कंपाउंड जो है वो मौजूद है किसी ऑर्गेनिक मैटर में, लेट्स से पत्ते हैं, लेट्स से कोई जानवर मर गया है, ठीक है, डीनेचर हो गया है, तो बैक्टीरिया आएगा, और बैक्टीरिया आने के बाद क्या करेगा, उस पर सारा अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करेगा। और इसका एक खूबी यह है कि ये सारा जो सल्फर के कंपाउंड है यानी किसी और फॉर्म में है, वो उनको SOx बना देगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाकर क्या करेगा, हवा में छोड़ देगा। तो ये बैक्टीरियल डिके से भी जो है ये प्रोसेस, आप कह लो कि सल्फर जो है वो हवा में शामिल होता है बैक्टीरियल डिके से। उसके बाद हमारे पास फॉरेस्ट फायर है। आग जिस हमने लास्ट टाइम बात की कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाती है अमूमन, और इवन कुछ अमेरिका के जंगल है वहाँ पे भी आग लग जाती है, तो ये एक बड़ा डिजास्टर होता है। और आप याद रखना कि जो दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, इनके अंदर सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, तो जब डेफिनेटली जब पौधों में, दरख्तों में, पत्तों में सल्फर कंपाउंड्स मौजूद होंगे, तो लिहाजा जब वो जलेंगे तो जलने के बाद क्या होगा, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेज जो है वो हवा में ड्रॉप कर देंगे, और इस तरह फिर हवा में इनकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में हम काउंट करेंगे सबसे ज्यादा कोल को, उसके अलावा पेट्रोल को। आपको बताइए पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल का कंजप्शन और कोल का कंजप्शन फॉसिल फ्यूल्स के अंदर सबसे ज्यादा होता है, और भी हमारे पास फ्रैक्शंस मौजूद हैं पेट्रोल के, फॉसिल फ्यूल्स के, लेकिन यह है कि ये सबसे ज्यादा जो है यूज होते हैं। और यू कैन से कि 80% तक सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो जो हवा में आती है वो सबसे ज्यादा जो है वो इन कह लो कि फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन की वजह से जो है वो आ रही होती है। तो लिहाजा कोल और पेट्रोल की जो हमारे पास कंजप्शन है, इससे सल्फर ऑक्साइड्स यानी SOx जो है वो हवा में आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो लिहाजा ये एक मेजर सोर्सेज है किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के और सल्फर ट्राइऑक्साइड के, कैसे ये हवा में शामिल हो जाते हैं। एंड आई होप कि आपको अभी याद रहेगा, उसके बारे में हेडिंग्स लगाकर आप काफी कुछ लिख लोगे। तो स्टूडेंट्स, एक रिदमिक साइकिल की थोड़ी सी बात करते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास फॉसिल फ्यूल है। अब फॉसिल फ्यूल जो है इसके अंदर क्या मौजूद है, सल्फर कंपाउंड। अब सल्फर कंपाउंड अगर इसके अंदर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको यूज करोगे, ठीक है, इसको यूज करोगे, क्या करोगे, इसको फ्यूल को क्या करोगे, बर्न करोगे। बर्न क्यों करोगे, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, इसलिए बर्निंग होती है ना, एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, व्हाटएवर, गाड़ी चलानी है, फॉसिल पेट्रोल शेट्रोल। तो ज्यादा बर्निंग से क्या होगा कि SOx पैदा होंगी, SOx मींस सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होंगी, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो पैदा हो सकती है। और जब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड डाइऑक्साइड पैदा होंगी तो ये गैसेज जो है ये पानी से मिल जाएंगी, ये गैसेज जो है किससे मिल जाएंगी, पानी से, और ये अपने मुतलका एसिड्स बना देंगी, जैसे H2SO4 या H2SOx। H2SOx क्या होगा, H2SO4 भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, या H2SO3 सल्फरस एसिड भी हो सकता है। तो लिहाजा ये हमारे पास रिजल्ट आएगा फॉसिल फ्यूल की बर्निंग के नतीजे के बाद, यानी हवा में आपको क्या मिलेंगे, हवा जो है वो क्या हो जाएगी, हवा जो है वो एसिडिक हो जाएगी। लिहाजा आप कहोगे कि जो एयर है वो क्या हो गई, एसिडिक हो गई, यानी हवा में नमी है, हवा में जब नमी है तो दोनों गैसेस मिलेंगी और हवा आपकी एसिड कंटेन करेगी। तो लिहाजा यू कैन से दैट कि हवा में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो सकती है। अमूमन जब आपको पता है कि एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीने बारिशें नहीं होती,
और बहुत सा गैसेस हवा में आ जाती हैं। तो ये गैसेस हवा में आने के बाद हवा की नमी को एसिडिक कर देती हैं, और जब वो एसिडिक कह लें आप गैस है, एसिडिक कंपाउंड है, वो हमारी आंखों में टच करता है आके, मतलब नमी की शक्ल में ही, तो हमारी आंखों में चुभन होना शुरू हो जाती है, हमारे सीने जो फेफड़े हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एसिडिक कोरोसिव इन एक्शन होता है, वो जलन प्रोड्यूस करता है। अगर एसिड आपकी स्किन पे गिर जाए, कभी बाथरूम एसिड से आपने बाथरूम वगैरह साफ किया हो, तो आपको अंदाजा होगा कि बाथरूम एसिड जो होता है वो अगर स्किन पे गिरे तो आपको थोड़ी सी चुभन और जलन होती है। तो इस तरह अगर ये थोड़ा बहुत भी हवा के अंदर होता है तो हमारी आंखों को, स्किन को, हमारे फेफड़ों को थोड़ा सा क्या करेगा, जलन जो है वो महसूस होगी, तो हम कहेंगे कि हवा क्या हो गई है, एसिडिक हो गई है। तो अमूमन जो क्राउडी शहर होते हैं, जैसे लाहौर है, कराची है, न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, मुंबई है, दिल्ली है, ये जो शहर है, बीजिंग है चाइना का, तो लिहाजा ये शहर बहुत क्राउडेड है, यानी लॉट ऑफ बिल्डिंग, लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्निंग। तो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक धुंधला धुंधला सा एटमोसफेयर मिलेगा, और वो एक एसिडिक गैसेस जो हैं और एसिडिक कंपाउंड जैसे एसिडिक एसिड जो हैं वो बना देंगे वहाँ, और वो उनकी स्किन को, आंखों को, फेफड़ों को जो है वहां पे शहरियों को इफेक्ट होगा, अगर बारिश देर तक नहीं होती। अगर बारिश हो जाती है तो क्या होगा, ये सारा एसिड जो है आराम से नीचे बैठ जाएगा। जैसे आप कह लो कि बारिश होती है तो बहुत सारा जो गंद होता है, वो डस्ट होता है, वो सारा का सारा जमीन पर बैठ जाता है, और हवा जो है, माहौल जो है, वो खुशगवार माहौल हो जाता है। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि जब तक बारिश, लेकिन शुरू शुरू में जब बारिश होगी तो उसमें डेफिनेटली ये ड्रॉप्स मिलेंगे, तो फिर बारिश जो हो रही होगी उसको आप कहोगे कि एसिडिक रेन हो रही है। ठीक है, ये कौन सी रेन हो रही है, एसिडिक रेन, बिकॉज दीज गैसेस मेक्स द एयर एसिडिक, हवा को एसिडिक बना दिया जाता है, और फिर हम उसको एसिड रेन कहते हैं। फिर उसके इफेक्ट्स हैं, फिर डेफिनेटली हमने जो इफेक्ट्स पढ़ने हैं, तो हमने किसके इफेक्ट्स पढ़ने हैं, एसिडिक रेन के इफेक्ट्स पढ़ने हैं। तो लिहाजा अभी मैं आपसे बात करूंगा इफेक्ट्स की, कि सल्फर डाइऑक्साइड के क्या या SOx के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। सो श्रोत साहब, हम बात करते हैं इफेक्ट्स की, और इफेक्ट्स अब क्या हो सकते हैं, इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि जो सल्फरस ऑक्साइड हैं, सल्फरस ऑक्साइड्स ये इरिटेशन कर सकते हैं, इरिटेशन से मतलब के आपकी स्किन को थोड़ा ख़राब कर सकती हैं, आपके फेफड़ों को ख़राब कर सकती हैं, आपकी आंखों को ख़राब कर सकती हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा सफोकेशन हो सकती है। सफोकेशन क्या होती है, घुटन। ठीक है, सफोकेशन क्या होती है, घुटन होती है, और घुटन क्या होती है कि आपको सांस नहीं आता, सांस उखड़ उखड़ के आना शुरू हो जाता है, दैट इज ऑल्सो गुड प्रॉब्लम, बैड प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। फिर वही बात कि आपके फेफड़े सारे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, किसकी वजह से, सल्फरस, आपकी आवाज नहीं आ रही ऑडियंस को, जरा थोड़ा सल्फर कंपाउंड की वजह से। हाँ माशाल्लाह, काफी ज्यादा आवाज आ गई। तो लिहाजा सल्फर कंपाउंड की वजह से जो है क्या होने वाला है कि आपके इरिटेशन होने वाला है, आपको सफोकेट हो जाओगे और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, और आपकी बिल्डिंग्स वगैरह डैमेज हो जाएंगी, जैसे ताजमहल है, जैसे यहाँ लाहौर का शाही किला है, शाही किला है, मीनार पाकिस्तान है, अमेरिका में लिबर्टी ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और आई डोंट नो कितनी और बिल्डिंग्स है चाइना के अंदर, वो जो एक वॉल बनाई है पहाड़ों के ऊपर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, और इसके अलावा इजिप्ट, इजिप्ट में आपको वो पैरामिड्स नजर आते हैं जो किसी कदीम ज़माने में बनाए गए, और आज भी क्वेश्चन है पता नहीं कैसे बना लिए गए, तो पता नहीं कैसे बना लिए गए, वो बहुत बड़ी मार्वलस अचीवमेंट थी जिन्होंने बड़े बड़े पैरामिड्स खड़े कर दिए उन्होंने, मिस्र के लोगों ने। तो डैमेज बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग को डैमेज कर दिया जाता है, और देखें अगर आपकी स्किन खराब हो रही है, आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं, इवन आपकी सेंसिटिव आंखें खराब हो रही हैं, तो जो पौधे हैं वो भी तो सेंसिटिव है ना, तो वो भी क्या होंगे सारे, इस सल्फर कंपाउंड की वजह से क्या हो सकते हैं, उनको एसिड रेन की वजह से क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं, वेजिटेशन वगैरह खराब हो सकती है। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इसका सोल्यूशन जो है, मैंने आपको बताया कि फॉसिल फ्यूल जो है, फॉसिल फ्यूल तकरीबन कितना बना रहा था, ये क्या 80% बना रहा था, तो अगर हम कोयले में से, पेट्रोल में से सल्फर को निकाल दें, कोई केमिकल रिएक्शंस करके सल्फर को फॉसिल फ्यूल से क्या कर दें, अलहदा कर दें, और फिर उसको बर्न करें, तो गैसेस तो वहां में आएंगी, क्योंकि 80% तो इसी से आ रही है ना, तो 80% को आप 50-60% क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो इस चीज से क्या होगा कि आपका एटमोसफेयर जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाओगे आप, जब आप फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कर रहे हो और इफेक्टिव तरीके से कर रहे हो, तो फिर आप क्या हो जाओगे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली।
एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब क्या होगा कि मतलब आप एनवायरमेंट के दोस्त बन जाओगे, आप ऐसा फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं कर रहे जिसकी वजह से क्या होगा एनवायरमेंट को खर्चा। फॉसिल फ्यूल आओगे तो फैक्ट्री में बड़ा जलता है, ईंट बनाने वाले भट्टों में बड़ा जलता है, तो वहां पर देखो कितनी तबाही मच रही होती है। तो लिहाजा इस चीज को हमें थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि जो फॉसिल फ्यूल है उसकी बर्निंग विदाउट सल्फर की जाए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल विदाउट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल विदाउट सल्फर। सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट एटमॉस्फेयर, सल्फर और उसके कंपाउंड्स के कुछ इफेक्ट्स। अब हम बात करेंगे आपको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में कि उनकी क्या सोर्सेज है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में, और फिर उनके इफेक्ट की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। राइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सिनेरियो ऑफ दिस लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपसे सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स की, जिनमें हम NOx की बात करेंगे। NOx में हम ले लेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। सो ये तीन ऑक्साइड जो है ये फितरतुल आम है, ज्यादातर ये दो जो ऑक्साइड ज्यादा बनती हैं। ये आपको मैंने बनाने का मेथड बता दिया, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाएं तो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है, बैलेंस कर लें, और साथ जो है इस गैस को अगर मजीद ऑक्सीडाइज करें तो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कर लेगी, तो बैलेंस करके देख लें। अब हमारे पास क्या होता है, कैसे आती है ये, फोर्स क्या है, दराया क्या है ये हवा में आने का, तो वो कंबशन इंजन है। पूरी दुनिया में जो गाड़ियां सारे कंबशन इंजन है, उसके अलावा फॉसिल फ्यूल पेट्रोल वगैरह चलाती हैं। थर्मल पावर स्टेशन बनाए हुए हैं हमने, थर्मल पावर स्टेशन ये बिजली बिजली घर है। यहाँ पर क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल से ये थर्मल पावर स्टेशन चलते हैं, जनरेटर को मारते हैं बिजली बनाते हैं। तो लिहाजा उससे देखें फॉसिल फ्यूल चल रहा है, कोयला चल रहा है, पेट्रोल चल रहा है, डीजल चल रहा है, गैसोलीन चल रहा है, कुछ भी जो कैरोसिन ऑयल है वो चल रहा है, कोई भी जो फ्रैक्शन चल रहा है फॉसिल फ्यूल का, तो उससे भी नुकसान हो रहा है। और फैक्ट्रीज भी आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोर बर्निंग की, तो कोयला भी जो है वो बर्न होता है और उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, और कोयले में भी नाइट्रोजन। अब कोयले में क्या होता है, कोयले में जो है जब बर्निंग होती है, आपको पता है कोयले की बर्निंग की आपको मिसाल दो, लेट्स से दैट कि कोयला जो है वो जल रहा है, ठीक है, कोयला चल रहा है और हवा में क्या मौजूद है, आपको पता है हवा में 78% नाइट्रोजन मौजूद है और कोयला जल रहा है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है और हवा में क्या मौजूद है। अब ये दोनों गैसेस आपस में क्या करेंगी, समझ रहे, लिहाजा ये दोनों गैसेस आपस में मिल जाएंगी उस कोयले की हीट की वजह से। फोटोकॉपियर्स जो होते हैं वो भी जब कॉपी होती है तो हीट दिया जाता है एक ड्रम को, तो फोटोकॉपी के दौरान भी नाइट्रस ऑक्साइड बनती है, तो कोयले के बर्निंग की जो दरमियान भी, और जब आपके इवन जो घर का चूल्हा है वो भी जलता है, तो कोई थोड़ी बहुत फ्रैक्शंस में नाइट्रस ऑक्साइड्स बनाता है। तो लिहाजा ये कोई इतनी ज्यादा पॉइजनस गैस नहीं है। लेकिन पॉइजनस ना कब बनती है, मैं इसका इफेक्ट बताता हूँ आपको। एक तो मैंने आपको बताया कि हवा में एयर में जो है ये होती है, ठीक है, एयर में फिर क्या होता है कि आप इसको पावर देते हो, एनर्जी देते हो, तो एयर में जो है यू कैन से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है आपस में मिल जाते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती हैं। और जब ये नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती हैं तो फिर क्या होता है कि पानी की मदद से यानी H2O इसके साथ मिलेगा और आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, HNOx। अब HNOx क्या है, ये एसिड है। अब एसिड कैसे है, जैसे HNO3 आपने पढ़ा होगा, याद है HNO3 याद है, नाइट्रिक एसिड। और HNO2 आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ HNO2, तो ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रस एसिड है। तो ये हमारे पास सोर्सेज हैं एसिड तक पहुंचने के, और ये हैं फॉसिल फ्यूल्स, बड़े ज़राए जहाँ से ये सारी की सारी नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो क्रिएट हुई। लिहाजा ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, अगर आपको पता होगा तो यू कैन राइट द सोर्सेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। और आप देखें एक चीज़ देखें, आप तकरीबन कार्बन ऑक्साइड हों, सल्फर के ऑक्साइड हों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हों, सबके दरमियान कोई एक एक ही तरह की बात की है हमने, तकरीबन इतनी खास डिफरेंस की बात नहीं की। अब हम इफेक्ट्स की बात करते हैं कि आखिर इन गैसेस से हमें क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, इन गैसेस से हमें क्या इफेक्ट्स पहुंच सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नुकसान तो बहुत से हैं, लेकिन हम बहुत बड़े नुकसान की बजाय हम सिर्फ बहुत इफेक्टिव नुकसान की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो एसिड रेन का होता है, यानी जब भी नाइट्रस ऑक्साइड हवा में आती है पानी से उठा वो मिल जाती है और नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड ये दोनों बनते हैं। डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला HNO3, क्या है ये नाइट्रिक एसिड, HNO2 ये नाइट्रस एसिड।
तो ये नाइट्रिक एसिड नाइट्रोसाइड बनते हैं, ये एसिड ड्रेन हो जाती है पानी के मिलने, और इरिटेटेड ब्रीथिंग यानी अगर नाइट्रस ऑक्साइड से हवा में ज्यादा हो जाएगी तो आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, आपको जो एयर पैसेज है यानी लंग्स में सांस जिस तरह आपका जा रहा है वो जाने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास है फैट्स और सोर्सेज, मैंने आपको पहले बता दिए ज्यादातर सोर्सेज जो है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स ही हैं जिसकी वजह से जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो हवा में आती है, कोल बर्निंग वगैरह। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था थर्मल पावर स्टेशन वगैरह, फॉसिल फ्यूल बर्निंग ही मेजर सोर्स मैंने आपको बताया नाइट्रस ऑक्साइड के हवा में आने का। फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर आज का, मजीद वीडियोज के लिए जो है अभी आप डिस्क्रिप्शन को देख लें, वहाँ पर लिंक्स मौजूद है, या चैनल की प्ले लिस्ट पर चले जाएँ, वहाँ पर आपको बहुत से डिफरेंट चैप्टर्स मिल जाएंगे और आप अपने चैप्टर को निकाल कर स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज भी शॉर्ट आउट होती हैं, एमसीक्यूज भी शॉर्ट आउट होते हैं, और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट आउट होते हैं, तो मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड डू शेयर माई वीडियो, थैंक यू सो मच।